वानखेड़े के मैदान पर कीवियों का किला ध्वस्त कर सालों पुरानी बैटल का बदला लेने वाली टीम इंडिया के सितारों की पूरी दुनिया कायल हुई। बुधवार को मुंबई के मैदान पर नए जमाने की टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का जो हश्र किया, उसका सामूहिक दर्द कीवियों को कई सालों तक चुभता रहेगा। खासकर भारत के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी का जिस तरह से सैलाब आया, उसमें विलियमसन सेना पूरी तरह से बह गई। लेकिन शमी ने कीवियों पर जिस तरह का कहर बरपाया, उसके लिए शमी को गिरफ्तार भी किया जा सकता था, उनके खिलाफ गंभीर धाराएं भी लगाई जा सकती थीं। मुंबई पुलिस शमी के साथ साथ कई भारतीय खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर सकती थी। गनीमत रही कि दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस से सिफारिश कर दी, वरना क्या से क्या हो जाता। तो मोहम्मद शमी के साथ साथ भारत के अन्य सितारों ने ऐसा क्या किया कि बात गिरफ्तारी तक आ पहुंची? ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस को मुंबई पुलिस से कहना पड़ा, प्लीज गिरफ्तार मत करना? फिर भारतीय सितारों के लिए आमने सामने आ गई दिल्ली और मुंबई की पुलिस, बहस शुरू हो गई। आईपीसी की धाराओं को लेकर दिल्ली पुलिस शमी के लिए सिफारिश कर रही थी, तभी मुंबई पुलिस ने टीम के कई सितारों को आरोपी बता दिया। तो चलिए अब साफ साफ बता देते हैं कि क्या हुआ था। दरअसल बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में पीछा कर रही न्यूजीलैंड की टीम एक समय मजबूत स्थिति में थी। 200 रनों के पार तक कीवियों के सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, सबकी सांसें अटकी हुई थीं। गलती शमी की गेंदों के आगे कीवी धराशायी हो गए। उनके इस परफॉर्मेंस को लेकर दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया साइट एक्स पर टैग करते हुए लिखा, मुंबई पुलिस, हमें उम्मीद है कि आप लोग मोहम्मद शमी के जरिए आज किए गए हमले को लेकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के इस पोस्ट का मुंबई पुलिस ने भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा, दिल्ली पुलिस, आप अनगिनत लोगों के दिलों को चुराने के लिए धाराएं लगाना भूल गए हैं, और साथ ही आपने सह आरोपियों की लिस्ट भी नहीं दी है। मतलब मुंबई पुलिस का इशारा विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर की तरफ था, जिन पर लाखों दिलों को चुराने का आरोप है। फिलहाल इन्हीं मस्तियों के बीच पूरा देश फाइनल में प्रवेश होने का जश्न मना रहा है, और अब इंतजार विश्व क्रिकेट पर बादशाहत के लिए अगले दावेदार का है, जो गुरुवार को तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।